Good morning, students. Now, how are you? We all okay? Very good. Okay. Now, हमारा next subject है EVS, है ना? इसके पहले हमने हिंदी का subject लिया था. Now, second subject है हमारा EVS. हमने EVS में क्या देखा था yesterday? हाँ, हमने क्या देखा था? Air transport की एक small story read की थी. द स्टोरी ऑफ फ्लाइट क्या था जिसमें क्या थे एक फैमिली थी अमेरिकन फैमिली हाँ जिसमें क्या किया गया था उन्होंने उस अमेरिकन फैमिली के फादर मदर एंड सेवन चिल्ड्रंस थे जो काफी हैप्पीली फैमिली थी. इसके साथ हमने और क्या देखा था स्टोरी मैंने सुनाई थी आपको कि उन्हीं में उन बच्चों के साथ साथ दो बेटे उनके टू बॉयज जो थे वो काफी इंटेलिजेंट थे. ओके इंटेलिजेंट के साथ साथ उनमें एक क्या था एक एक्टिवनेस था किसी भी चीजों को करने का एक एक्टिवनेस था एम्बिशंस था कि उन्हें क्या करना है मेहनत करना है और कुछ ना कुछ करके दिखाना है. यह चीज हर एक बच्चे में होना भी चाहिए है ना. और उसके साथ हमने क्या देखा था हाँ क्या था उन्हें किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी चीज में मान लो कुछ होता है कोई सब्जेक्ट हो कोई मैटर हो तो उनको उस मैटर में इंटरेस्टेड होना बहुत अच्छा लगता था. साथ ही साथ उनका एक गुड क्या था मैनर था कि किसी भी क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट के उसमें उन्हें क्वेश्चन आंसर्स को पूछना छोटी छोटी बारीकियों को क्या करना जानकारी उसकी हासिल करना वह उनकी खूबी थी. क्या हुआ एक दिन उनके पापा उनके लिए क्या लेकर आए एक टॉय लेकर आए. टॉय कैसा टॉय था एक फ्लाई टॉय था जो कि उन्होंने क्या किया उनके पापा ने उन्हें घर के अंदर उड़ाते हुए दिखाया था. वो कैसे दिख रहा था मानो कोई पक्षी घर में उड़ रहा हो. उसी प्रकार कुछ दिनों तक उन्होंने इन सब चीजों को देखकर काफी खुश हुए और उनके दिमाग में यह बात आई कि क्यों ना जब हम एक पक्षी जब हम एक टॉय को पक्षी बन के उड़ते हुए देख सकते हैं तो क्यों ना हम आकाश में ऐसी कोई चीज का निर्माण करें जो आकाश में उड़े आसमान में उड़े है ना. उसी प्रकार उन्होंने क्या किया कि कुछ बातों का निश्चय किया कि हम कोशिश करेंगे और एक दिन वो कोशिश कामयाब करके दिखाएंगे. कई बार ऐसा हुआ उन्होंने काफी बार कोशिश की कोशिश पे कोशिश करते गए क्योंकि कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. उसी प्रकार उन्होंने कई बार उस कई मेहनत करने के बाद क्या हुआ एक दिन हाँ उन्होंने अपने सपने को साकार किया और उन्हीं दो लड़कों ने क्या किया 25 साल बाद वर्ल्ड का फर्स्ट एवर फ्लाइंग एरोप्लेन बनाया. कब बनाया कई कोशिशें करने के बाद उम्र के एक पड़ाव पर आकर 25 साल बाद उन्हें वह कामयाबी हासिल हुई. और उन दो बेटों का नाम क्या था ये वही लड़के थे जिनके पापा ने इन्हें वो टॉय लाकर दिया था. तो क्या था उन लड़कों का नाम फर्स्ट ऑर्विल ब्रिज एंड विल्बर ब्रिज. ये वो दो महान कौन थे मैकेनिकल जिन्होंने एरोप्लेन बनाने का सपना साकार किया. और इसी के साथ कल की हमारी ये छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी की समझाई भी थी और इसी के आधार पे हमारा एयर ट्रांसपोर्ट का यह एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बना था. और आगे मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में सिंपल से टू क्वेश्चंस को यहाँ मेंशन किया है यहाँ राइट डाउन करवाया है. यह भी हमारा ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वेरी सिंपल हाँ क्या है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड ए मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों है किस लिए है वो बताया गया है या पूछा गया है आपसे ठीक है. क्या है व्हाई डू वी नीड जरूरत नीड व्हाट डू यू मीन बाय नीड हमारी जरूरत मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि मैंने आपको हमारे चैप्टर में समझाया था कि ट्रांसपोर्ट का यूज कब और कहाँ कैसे किया जाता है। ट्रांसपोर्ट का यूज एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। ये क्या था हमारा फर्स्ट छोटा सा वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइन आंसर। ओके, नाउ सेकेंड है हमारा हाउ मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर। हमारे इस चैप्टर में कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया गया है और वो कौन कौन से हैं ये आपको पूछा गया है। हाउ मेनी ट्रांसपोर्ट, ओके, तो देयर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट टू लास्ट तक के चैप्टर को इसी इसमें दोहराया गया है, यही यही चीजें आपके सामने दी गई हैं। आप जब जब आपकी बुक को ओपन करोगे यही सब इसी चैप्टर में आप इन्हीं सब तीनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट। क्या है लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर से एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगी इसे, बार बार मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि आने वाले दो महीने बाद भी यदि आपसे मैंने किसी इसका क्वेश्चन किया तो आप मुझे इसका प्रॉपर आंसर दे पाओ, यही मैं आपसे इसीलिए आपको कंटिन्यू रिवाइज करवा रही हूँ। देयर आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वॉटर ट्रांसपोर्ट, देन लास्ट एयर ट्रांसपोर्ट। आपको पता है लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है? हाँ, लैंड ट्रांसपोर्ट में हमारी क्या चलती है, ट्रेन चलती है ऑन द ट्रैक। कहाँ चलती है? ऑन द ट्रैक पर। वन अराइव टू वन स्टेशन एंड अनादर स्टेशन अनादर सिटी। ओके, नाउ सेकेंड है वॉटर ट्रांसपोर्ट। वॉटर ट्रांसपोर्ट में हमने आपको क्या बताया था, क्या क्या चलती है? शिप चलती है, ओके, नाउ समरी चलती है, बड़े बड़े नाव जो काफी आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, है ना। तो क्या होता है इसमें, एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता है और अपना सामान भेजा जा सकता है। बट वो सामान कैसा हो, इम्पोर्टेड बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वह अपना सामान अपना लगेज इनके थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज मीनिंग बाय एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में जाता हो। हवा में अब क्या जाता है, मैंने आपको बताया था हवा में प्लेन क्या होता है, एरोप्लेन, हाँ, उड़ता है, हेलीकॉप्टर, ओके, तो इसी के द्वारा हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, वी कैन ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द शॉर्ट टाइम बाय एरोप्लेन। क्या होता है, दुनिया के किसी भी भाग में जब भी किसी सामान को पहुंचाना हो तो कम समय में कम लागत ज्यादा होती है। क्या होती है, कॉस्ट ज्यादा, खर्चा ज्यादा लगता है, परंतु उस जगह में उस जगह जाने के लिए वह कम समय में अपना सामान एरोप्लेन के जरिए एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए वहां पहुंचाया जा सकता है। दे टेक अस टू फॉर अवे प्लेस इन वेरी लेस टाइम। जैसे कि आपको बताया था मैंने, इसमें कम समय में हम अपना सामान वहां पहुंचा सकते हैं। इट इज वन ऑफ द कॉस्टलेस्ट बट द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैंने बोला आपको कि पैसा ज्यादा लगता है, खर्चा ज्यादा लगता है, बट हम अपना सामान अपना कम टाइम देकर पैसा ज्यादा देकर अपना सामान वहां सेफली पहुंचा सकते हैं। कहां? एरोप्लेन में। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स लैंड एंड टेक ऑफ फ्रॉम एयरपोर्ट्स। हेलीकॉप्टर्स कैन ऑल्सो यूज हेलीपैड्स टू लैंड एंड टेक ऑफ। क्या होता है, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स कहां लैंड करते हैं? हाँ, एयरपोर्ट्स पे। कहां पे? जैसे कि रेलवे स्टेशन, ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन बना होता है, बस के लिए बस स्टॉप बने होते हैं, ओके, उसी तरह क्या एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए क्या बने होते हैं? हाँ, एयरपोर्ट्स बने होते हैं, जहां पे देखा होगा आपने हर देश से आने वाले, हर शहर से आने वाले एरोप्लेन्स वहां अपने टाइम पर, निर्धारित समय पर लैंड
year 1969 in the space shuttle. क्या है एस्ट्रोनॉट्स, देखा है आपने हमारे आसमान के ऊपर भी एक दुनिया होती है अलग, जहां पे हमारे ग्रह और क्या क्या होते हैं, नासा ग्रह होता है हमारा ऊपर आसमान में, काफी सारे आपने देखे होंगे, आए दिन न्यूज में देते रहता है। तो क्या है, दे फर्स्ट ट्रेवल, पहले बार जो चांद पर वो एस्ट्रोनॉट्स गया था वो कौन से साल में गया था, 1969 में। स्पेस शटल क्या होता, स्पेस शटल में द स्पेस शटल दे फर्स्ट ट्रेवल टू द मून इन द ईयर 1969 क्या था, हमारे देश से पहली बार एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल कहाँ गया था, स्पेस पे गया था, कौन से साल में, 1969 में। ये थी हमारी एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर का की ट्रेवलिंग स्टोरी। ओके, मैंने आपके टू क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, साथ में आंसर्स भी लिख के दिए हैं। इसी के साथ क्या है, हाँ, ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर विद द हेल्प ऑफ व्हीकल्स, क्या है व्हीकल्स, गाड़ी की मदद से हम अपना सामान एक जगह से एक अलग जगह तक पहुंचा सकते हैं। ए व्हीकल्स कैरीज अस एंड अवर लगेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, व्हीकल्स की मदद से हम अपना सामान कैरी करके उसे कहीं पर भी किसी भी स्थान पे किसी भी जगह पे लेकर जा सकते हैं। लैंड, इसी प्रकार तीनों हैं, तीनों का मैंने अपनी अलग अलग क्या समझाए हैं, एग्जाम्पल समझाए हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होगा और जो भी इसके शॉर्ट टर्म्स आंसर्स है, क्वेश्चंस है, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। एक्सरसाइज आपकी बुक में ली हुई है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करवाया है, राइट डाउन भी करवाया है। ओके, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। कब, अब तक के हमारे इतने चैप्टर हो गए हैं, टू चैप्टर्स पे हमने क्या क्या देखा, ये एक बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी और इसी के साथ हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, प्लीज आप इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए एंड क्या कीजिए, लर्न कीजिए, लर्न एंड राइट। ओके, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट